है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चेतना न्यूज। आज रात से पूरा हरियाणा होगा लॉकडाउन। राज्य के 7 जिलों में बंदी की घोषणा करने के एक दिन बाद हरियाणा सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस रोधी उपायों को राज्य के बाकी 15 जिलों में भी लागू करने की घोषणा की और यहां भी बंद यानी लॉकडाउन लागू कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हमने रोकथाम से जुड़े उपायों के तहत 7 जिलों में बंद का आदेश दिया था। हमने अब फैसला किया है कि इनके अलावा बाकी 15 जिलों में भी 24 मार्च से यह प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमाएं सील रहेंगी और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी स्थगित हैं, यद्यपि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। खट्टर सरकार ने रविवार को राज्य के 7 जिलों में बंद की घोषणा की थी। ये जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकूला हैं। रविवार रात 9 बजे से लागू यह बंद 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। खट्टर ने कहा कि इस महीने के अंत तक पूरा राज्य बंद रहेगा और 31 मार्च को स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कोरोना राहत कोष HCRF बनाने की भी घोषणा की और लोगों से स्वेच्छा से इसमें योगदान की अपील की। खट्टर ने अपने निजी खाते से इस कोष में 5 लाख रुपये दान भी दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के अब तक 12 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 गुड़गांव से हैं, जबकि पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत से एक एक मामला सामने आया है। आप देख रहे थे हरियाणा चेतना न्यूज। आपसे जुड़ी हर खबर जानने के लिए हरियाणा चेतना न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। और हाँ, खबर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक और ताज़ा समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।